गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनीष गिरी आज आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा फेमा। हम फेमा कवर करेंगे। ये टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ के अंतर्गत हम आज कवर करेंगे फेमा को। इसके पहले भी हमने क्लास में कई बार फेमा को डिस्कस किया है, कई बार फेमा पे चर्चाएं की है, बट आई एम श्योर, मैं आपको श्योर करता हूं कि आज आपको इस वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी रही कुछ ही प्रॉब्लम हुई होगी वो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए हमारे टॉपिक पे हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। हमारा टॉपिक है फेमा 2000 क्यों? 2000 क्यों? क्योंकि फेमा को इन्फोर्स किया गया था इंडिया में 2000 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फेमा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यदि इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो फेमा का मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे फॉरेन एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को हम बोल सकते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी मीन्स क्या, जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी कंट्री का दूसरे कंट्री के बिटवीन जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है थ्रू बिजनेस, जो भी बिजनेस के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, जिसे हम लॉ की टर्मिनोलॉजी पे, फेमा के टर्मिनोलॉजी पे हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं। और फॉरेन करेंसी का क्या, मैनेजमेंट करना। तो जो भी हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री के बिटवीन जो भी बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन बिफोर फेमा हमें यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेमा की स्टार्टिंग कहां से हुई, फॉरेन एक्सचेंज की स्टार्टिंग कहां से हुई, और किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एग्जिस्ट किया, और क्या वजह थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में इंप्लीमेंट करना पड़ा। चलिए आइए हम देखते हैं, हम समझेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। यदि हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, हम अभी फेमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज की इंडिया में शुरुआत आजादी के पहले हो गई थी। जी हाँ, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसी समय फॉरेन एक्सचेंज की नींव इंडिया पे रख दी गई थी। फर्स्ट टाइम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया गया 1947 पे। लेकिन 1947 पे जो भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाया गया, इसको इंप्लीमेंट किया, इसको बनाया गया, इसको फ्रेमवर्क किया गया, तो वो फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए था। आफ्टर 10 ईयर तो हम बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज की शुरुआत इंडिया पे 1947 पे हुई। 1947 पे, और 1947 में इसे 10 सालों के लिए एज ए ट्रायल के रूप में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। आफ्टर 10 ईयर इट मींस 1957 पे जब देखा गया कि फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा हमें कई बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उसे क्या किया गया 1957 में, उस फॉरेन एक्सचेंज को परमानेंट कर दिया गया। जब 1957 पे फॉरेन एक्सचेंज को परमानेंट किया गया, उस समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में फर्स्ट टाइम फॉरेन एक्सचेंज को परमानेंट किया गया। फॉरेन एक्सचेंज चलता गया, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। जब ये ऑपरेट हुआ, जब ये लॉ मार्केट पे आया, रन किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के सामने आई। फाइनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और इस एक्ट को और मॉडिफाई किया गया, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, और एक नए प्रोविजंस के साथ
एक नए एक्ट की स्थापना की गई जिसको नाम दिया गया फेरा का। आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, तो फेरा जो पहला एक्ट इंडिया पे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर एस्टेब्लिश किया गया वो एक्ट कौन सा था, फेरा था। अभी हम आगे बात करेंगे फेरा मींस क्या। देखिए तो पहला एक्ट जो एस्टेब्लिश किया गया फॉरेन एक्सचेंज को लेकर वो एक्ट था हमारा फेरा। फेरा को कब एस्टेब्लिश किया गया, फेरा को इंप्लीमेंट किया गया 1973 में। 1973 में जब हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी के शासन काल में फर्स्ट टाइम फेरा फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक नया फ्रेमवर्क, एक नया स्टेज प्रोवाइड किया गया और इसको लीगली प्रोवाइड किया गया और इसे एक लॉ का नाम दिया गया, जिस लॉ को हम किस नाम से जानते थे, जिस लॉ को हम जानते हैं फेरा के नाम से। एंड फेरा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। आप इसे नोट कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं फेरा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट इसे कब इंप्लीमेंट किया गया, इसे इंप्लीमेंट किया गया 1973 में। इसके बाद 1 जनवरी 1974 को, आप डेट याद कीजिएगा, डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एग्जाम पे बैठते हैं तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं डेट से ही आते हैं। और इस डेट में दो तरह की डेट मेन डेट होती है, दो तरह की डेट क्या होती है, पहली डेट तो वो होती है जब इसको इंप्लीमेंट किया गया और दूसरी डेट होती है जब इसे एप्लीकेबल किया गया। तो 1973 में फेरा को इंप्लीमेंट किया गया और 1 जनवरी 1974 को पूरे इंडिया पे फेरा को एप्लीकेबल किया गया। जब हम यहाँ पे पूरे इंडिया की बात करेंगे तो पैन इंडिया में क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ऐसे बहुत से लॉज हैं, ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन फेरा एक ऐसा एक्ट था जिसको पूरे इंडिया पे 1 जनवरी 1974 को पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल किया गया। तो देखिए तो इसको बनाया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1973 में और इसको इन्फोर्स किया गया, इसे एप्लीकेबल किया गया 1 जनवरी 1974। चलिए आइए हम देखते हैं फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को मार्केट पे लाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटिव क्या था। आजादी के बाद इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, वो चैलेंज ये था कि जो भी हमारे फॉरेन रिजर्व हैं उस फॉरेन रिजर्व को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन करना। इंडिया के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको हम बोल सकते हैं, वो चैलेंज यही था कि जो भी हमारे फॉरेन रिजर्व हैं उस फॉरेन रिजर्व को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन करना। अब देखिए हम बात करेंगे फॉरेन रिजर्व, तो फॉरेन रिजर्व मींस क्या। एक्चुअली जब भी हम ये देख रहे हैं, हम कई सालों से, इवन जब से मैं पैदा हुआ तब से बातें सुन रहा हूँ और आप भी बातें सुन रहे होंगे कि हमारे इंडिया कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ये कैसी कंट्री है, ये विकसित कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है। तो विकसित और विकासशील के बीच में जो एक कड़ी है, देखिए वो कड़ी क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और उसके कंपेयर पे हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। इवन यहां तक कि
हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, हमें अपनी बेसिक नीड्स की जरूरतों के लिए भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है। और रीजन क्या है? प्रोडक्शन का ना होना। हम पर्याप्त मात्रा पे या फिर हमें जो चीज चाहिए, जो चीजें हमारी लाइफ में शामिल हैं, हमारी रूटीन में शामिल हैं, हम उस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई क्या होना पड़ता है, मुझे दूसरी कंट्री पे अपनी नीड्स के लिए डिपेंड होना पड़ता है। एक बहुत बड़ा कॉज है जो हमें विकसित से विकासशील की ओर ले जाता है। और यही रीजन है कि हम विकासशील की श्रेणी पे आते हैं और जो दूसरे कंट्री हैं वो विकसित की श्रेणी पे आते हैं। तो एक्सपोर्ट हमारे कम होते हैं, उसके कंपेयर पे हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। और जिस चीज का हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं या फिर ज्यादा कंजप्शन जिस चीज का हमारे यहाँ पे, जिस कम्युनिटी का है, वो कौन सी चीज है? वो कम्युनिटी है पेट्रोल। पेट्रोल हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं और हमें पेट्रोल हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और उसके बिहाफ पे ऐसी बहुत सी कम कम्युनिटी है जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट ज्यादा होने से और एक्सपोर्ट कम होने से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? एक निगेटिव बैलेंस शो करता है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे टोटल रिसीप्ट को और टोटल एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जितनी रिसीप्ट अर्न की है और उसके एवज पे, उसके बिहाफ पे हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है, हमने कितना एक्सपेंस किए हुए, तो बैलेंस करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीन्स यही होता है, बैलेंस करना। तो जब हमारे इम्पोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं तो जो हमारा बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, वो एक नेगेटिव फिगर को शो करता है। इंपोर्ट ज्यादा करने से क्या होता है? इंपोर्ट ज्यादा करना एक्सपोर्ट कम करना है, बट जब हम इंपोर्ट बाहर कंट्रीज से उनकी कमोडिटी को ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस कंट्री को पेमेंट किस टर्म में करना पड़ता है? हमें पेमेंट इन फॉर्म ऑफ डॉलर करना पड़ता है। डॉलर ही क्यों? क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कंट्री है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, डॉलर लाइक डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब क्या है? ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है। जबकि जो हमारा रुपीज है, जो हमारा रुपया है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं माना गया है। तो जब हमें पेमेंट उन्हें डॉलर के टर्म में करना है, यूरो के फॉर्म में करना है या फिर हमें पाउंड के फॉर्म में करना है, तो जो भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी है, उस करेंसी को सिक्योर करने के लिए, जिसको हम फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, जो भी फॉरेन करेंसी का हमने एक रिजर्व बना कर रखा है अपनी कंट्री पे, इसलिए बना रखा है जो भी हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट किस फॉर्म में करना पड़ेगा, हमें पेमेंट उसी फॉर्म में करने पड़ेगा, ऐसी करेंसी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी होगी, लाइक यूरो, पाउंड या फिर डॉलर्स। तो उसी फॉरेन रिजर्व को प्रमोट करने के लिए, उसी फॉरेन रिजर्व को सिक्योर करने के लिए, उसी फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए और उसी फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने एक नई पॉलिसी, एक नई थीम को स्टार्ट किया, एक नई थीम को एक लॉ इन लॉज किया जिसको हम फेरा के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बोलें कि फेरा का मेन काम क्या था या फिर फेरा को लाने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटिव क्या था, तो वो मेन मोटिव क्या था? फॉरेन रिजर्व को सिक्योर करना, कंट्रोल करना और साथ ही साथ क्या करना, उसे मेंटेन करना, इसका मेन मोटिव था। जब से फेरा मार्केट पे आया, फेरा चलता गया, फेरा अपना काम करता गया, बट 1991 पे एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्केट पे इंडिया ने लॉन्च की। 1991 पे ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया पे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्यों हुए? क्योंकि मार्केट को बूस्ट करने के लिए, मार्केट में कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करने के लिए, मार्केट से मोनोपोली को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इंडस्ट्रियल इंडिया ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किए। और उस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में से
एक नया प्लेटफॉर्म जो सामने आया था उसका नाम क्या था, एलपीजी का। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो किए गए, उस रिफॉर्म में से जो एक इंडिया की नई थीम, जिसे हम बोल सकते हैं एक नए इंडिया की नई तस्वीर जो पेश की गई, एक नई पॉलिसी को जन्म दिया गया, और उस पॉलिसी को हम किस नाम जानते हैं, उस पॉलिसी को हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं एलपीजी मींस क्या। एलपीजी देखिए, एलपीजी 1991 पे जब इंडिया पे एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया गया, एक इंडस्ट्रियल रिवोल्ट हम बोल सकते हैं कि इंडिया में क्या हुआ, एक औद्योगिक क्रांति आई, उस क्रांति को हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम जानते हैं, और उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किए गए, उस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में से एक नया प्लेटफॉर्म जो था वो एलपीजी का था। देखिए एलपीजी क्या, एलपीजी की थीम को जिस तरह से मार्केट पे लेके आया गया, एलपीजी का मींस क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण की नीति के नाम से भी जानते हैं। देखिए एलपीजी की नीड क्यों फील हुई, क्यों ऐसा इंडिया को लगा कि हमें एलपीजी की थीम को मार्केट पे लाना है और हमें एलपीजी की थीम पे ही आगे काम करना है, ऐसा क्यों। देखिए लिबरलाइजेशन का मींस क्या था, उदारीकरण। उदारीकरण क्यों, उदारीकरण जब हम आजाद हुए आफ्टर फ्रीड, जो भी हमने अपने आप को, हमने अपने इंडिया को फ्रेम आउट किया, उस फ्रेम आउट पे हमने इतने कठोर नियम बनाए ताकि दोबारा कोई देश हमारे यहाँ पे आकर फिर से हम पे कब्जा ना कर ले और हम फिर से दोबारा गुलाम ना हो जाए। तो उस गुलामी से बचने के लिए, इंडिया को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद हमने अपने जो भी नियम बनाए उस नियम पे बहुत ही कठोरता का पालन किया। वो कठोरता हमें कहीं ना कहीं हमें संबल तो प्रदान करी, कहीं ना कहीं हम स्थिर हुए, सशक्त हुए, लेकिन उसका रीजन क्या हुआ, उसके पीछे हमें क्या खोना पड़ा, हमने देखा कि ऐसे बहुत सी फॉरेन कंट्रीज हैं जो हमारे यहाँ पे आना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, हमारे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बट ड्यू टू एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही थी। तो उस नियम पे छूट देने के लिए, ढील देने के लिए हमने क्या किया, हमने उदारीकरण की नीति को एडॉप्ट किया, जिसे हम लिबरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मेन मींस क्या था, उदारीकरण का मेन मींस क्या था, उसका मेन मोटिव क्या था, कि जो भी हमारे कानून है, जो भी हमने नियम बनाए रखे हैं, उस नियम को चेंज करना, मॉडिफाई करना, उसमें कुछ नए अमेंडमेंट करना, कुछ ढील प्रोवाइड करना, ताकि बाहर के लोग इजिली हमारे यहाँ पे आके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, और इंडिया पे जब वो बिजनेस, बाहर के लोग हमारे इंडिया पे आके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस का उन्हें हम बिजनेस का नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, उससे हमारे फॉरेन रिजर्व क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, सरप्लस होंगे। सेम एज वेल एज निजीकरण की नीति को भी इंडिया पे, भारत पे लाने का मकसद यही था कि जो भी एक फंड की कमी बोल सकते हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी की कमी थी, उस टेक्नोलॉजी कमी को और फंड की कमी को सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निजीकरण की नीति का को एडॉप्ट किया, जिसका मींस क्या था, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंटरप्राइज ज्वाइंट वेंचर होकर एक साथ काम करेंगे। तो जहां पे प्राइवेट फर्म्स और पब्लिक इंटरप्राइज दोनों एक साथ, दोनों ज्वाइंट वेंचर होकर एक साथ काम करेंगे, ताकि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके, अच्छे भारत का निर्माण कर सके,
इसलिए निजीकरण की नीति को इंडिया ने एडॉप्ट किया। यदि हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण की नीति को लाने का इंडिया का मींस केवल एक ही था, ताकि हमारी पहचान हमारी बाउंड्री से बाहर भी हमारी पहचान हो सके और हमारे लोग भी बाहर जाके अपने व्यवसाय को एस्टेब्लिश कर सकें और इंडिया के नाम को, इंडिया के प्रोडक्ट को की पहचान, इंडिया की पहचान इंडिया के बाहर भी हो, उस चीज को अप्लाई करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का की नीति को लागू किया गया। इस तरह से 1991 पे जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी के शासन काल पे उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में एलपीजी थीम को मार्केट में स्टार्ट किया गया। एलपीजी थीम को लाने का दूसरा मोटिव क्या था, जब फेरा को मार्केट में एस्टेब्लिश किया गया, जब फेरा को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1974 के बाद 18 सालों के बाद जब एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में एक ऐसा रिजल्ट सामने आया, उसमें ऐसा फाइंड आउट किया गया कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफिसिट हो रहे हैं, सरप्लस नहीं हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था इंडिया के लिए, फॉरेन रिजर्व का डिफिसिट होना बहुत ही चिंता का विषय था। तो उस फॉरेन रिजर्व को, डिफिसिट को सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए, हम ऐसा बोल सकते हैं एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, एफडीआई मींस क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि बाहर के लोग सीधा हमारे यहाँ पे फॉरेन विदेशी इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनिमय, विनियोग सीधे इंडिया पे हो सके, इस चीज को प्रमोट करने के लिए एलपीजी को स्टार्ट किया गया, एलपीजी की स्टार्ट किया गया। और हम ऐसा बोल सकते हैं एलपीजी क्या था, इंडिया के नए भविष्य का निर्माण करता था, इंडिया के नए भविष्य का सपना था। और जो आज हम देख रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं वजह एलपीजी ही है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही है। जब एलपीजी को लॉन्च किया गया मार्केट पे, एफडीआई को प्रमोट किया गया, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, और आफ्टर 8 ईयर ये देखा गया कि अचानक जो हमारे फॉरेन रिजर्व डिफिसिट हो रहे थे वो क्या हो रहे हैं, वो सरप्लस हो रहे हैं, वो सरप्लस हो रहे हैं। उसी सरप्लस को और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंडिया ने फेमा का निर्माण किया। तो फेमा कहां से बन के आया, फेमा फेरा से निकल के आया। और मैं सब बोल सकते हैं कि फेमा ऐसा एक्ट है जिसने फेरा को रिपील किया है। तो फेरा को रिप्लेस करने के बाद फेमा की नींव रखी गई 1999 में। फर्स्ट टाइम इंडिया में 1999 में फेरा की नींव रखी गई, फेरा को इंप्लीमेंट किया गया और 1 जून 2000 को इंडिया में फेरा, पूरे इंडिया में फेरा को एप्लीकेबल किया गया। जब पूरे इंडिया की बात करेंगे तब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। फेरा या फेमा ऐसा एक्ट है या ऐसा एक्ट था जो पूरे इंडिया पे जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होता है, इनफोर्स होता है, एप्लीकेबल होता है। हम देखते हैं तो फेरा को इंप्लीमेंट किया गया, फेरा को बनाया गया, फेरा को लाया गया 1999 पे और 1 जून 2000 को फेरा, फेमा को पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल किया गया, इनफोर्स किया गया। ये डेट आप जरूर लिखेंगे, 1 जून 2000 फेमा को पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल किया गया। आइए हम देखते हैं कि हमने ऐसे बहुत सारी बातें भी की कि फेरा को क्यों रिप्लेस किया गया, फेमा को क्यों मार्केट पे लाया गया, उसका मेन मोटिव क्या था, फॉरेन एक्सचेंज को
फॉरेन रिजर्व को प्रमोट करना, उसे डेवलप करना, उसे इंक्रीज करना, इसका मेन मोटिव था। चलिए हम देखते हैं कि फेरा और फेमा दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर किस तरह से फेमा फेरा से अलग है। देखिए, जब हम बात करेंगे फेरा की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेरा का जो एस्पेक्ट था या फिर फेरा को जिस वजह से इंडिया पे लॉन्च किया गया था, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हम बोल सकते हैं कि फेरा का जो एस्पेक्ट था वो कैसा था, कंजर्वेटिव एस्पेक्ट था। तो फेरा का कंजर्वेटिव एस्पेक्ट था मार्केट पे फेरा को लॉन्च करने का। वहीं पे यदि हम फेमा की बात करेंगे तो फेमा का डेवलपमेंट वहीं पे विदर फेमा का जो एस्पेक्ट था वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट था। देखिए, कंजर्वेटिव और डेवलपमेंट एस्पेक्ट मींस क्या, फेरा को मार्केट पे लाया इसीलिए गया था ताकि जो भी हमारे फॉरेन रिजर्व है उस फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए नहीं, बल्कि उस फॉरेन रिजर्व को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए फेरा को मार्केट पे लॉन्च किया गया था। जबकि फेमा को मार्केट पे लाने का मेन रीजन यही था कि जो भी हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट तो करना है, साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उन्हें इंक्रीज करना है, सरप्लस करना है। हम बोल सकते हैं कि जो फेरा का जो एस्पेक्ट था वो कंजर्वेटिव एस्पेक्ट था, केवल उसका एस्पेक्ट सिक्योर करना और प्रोटेक्ट करना था। जबकि वहीं पे फेमा का ऑब्जेक्ट क्या था, फेमा का जो एस्पेक्ट था वो कैसा था, डेवलपमेंट विकासशील एस्पेक्ट था, उसका एस्पेक्ट था फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करना, सरप्लस करना, ना कि केवल प्रोटेक्ट करना एंड सिक्योर करना। यहां तक कि जो फेरा पे प्रोविजन किए गए थे बहुत ही हार्ड और बहुत ही टफ प्रोविजन किए गए थे। आइए हम देखते हैं उनमें से एक प्रोविजन की अपन बात करेंगे। फेमा पे कंपाउंडिंग अलाउ नहीं थी, फेरा पे कंपाउंडिंग अलाउ नहीं थी। हम आगे बात करेंगे कंपाउंडिंग का मींस क्या होता है। तो देखिए, हम यदि बात करेंगे तो कंपाउंडिंग नॉट अलाउड, कंपाउंडिंग नॉट अलाउड इन फेरा, बट फेरा में कंपाउंडिंग, फेरा फेमा में कंपाउंडिंग को अलाउड किया गया। देखिए, फेरा में कंपाउंडिंग को अलाउ नहीं किया गया था, जबकि जब फेमा बना तो फेमा में कंपाउंडिंग को अलाउ किया गया। देखिए, कंपाउंडिंग का मींस क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसका मींस क्या होता है कि वेदर यदि हम इंप्रिजनमेंट नहीं चाहते, इंप्रिजनमेंट नहीं जानते हैं, यदि हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, तो जेल ना जाकर हम उसके बिहाफ में जो भी एक फाइन फिक्स की गई है इन टर्म ऑफ मॉनेटरी, तो मॉनेटरी फॉर्म में जो भी एक फाइन फिक्स की गई है, हम उस फाइन को देकर, उस फाइन को चार्ज करके, देख पे करके हम उस इम्प्रिजनमेंट से छूट सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कंपाउंडिंग पे कि यदि हमें जेल नहीं जाना है, यदि हमने फेरा के नियमों का उल्लंघन किया है, फेमा को वायलेट किया हुआ है, तो वहां पे कंपाउंडिंग अलाउ नहीं थी। इट मीन यदि आपने फेमा के रूल्स को ब्रेक, फेरा के रूल्स को ब्रेक किया है, इट मीन्स आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ऐसे प्रोविजन फेरा में किए गए थे। लेकिन जब फेमा को बनाया गया तो फेमा पे कंपाउंडिंग को अलाउ किया गया,
जहां पे यदि आपको जेल नहीं जाना है तो जेल न जाने के एवज पे आप मॉनेटरी फॉर्म पे जो भी एक फाइन फिक्स की गई है वो फाइन देकर आप उस सजा से बच सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोविजन फेरा पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। यहां तक कि फेरा में यदि आपने फेरा के रूल्स का उल्लंघन किया है, फेरा के नियमों का उल्लंघन किया हुआ है, तो फेरा ये प्रोविजन प्रोवाइड करता था कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट बिना वारंट इशू किए उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप सही समझ रहे हैं कि फेरा में ऐसे भी प्रोविजन किए गए थे कि यदि आपने फेरा के नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर्सन के अगेंस्ट फेरा बिना चाहे तो बिना वारंट के भी उसे अरेस्ट कर सकता है। बट फेमा के मार्केट पे आते ही इस अथॉरिटी को भी समाप्त कर दिया गया। तो फेरा पे जो प्रोविजन थे बहुत ही हार्ड प्रोविजन थे और बहुत ही कठोर प्रोविजन थे, लाइक कंपाउंडिंग का प्रोविजन या फिर अरेस्ट का प्रोविजन। और साथ ही साथ आप देखेंगे फेरा पे जो सेक्शंस थे वो टोटल सेक्शन कितने थे, 81 सेक्शंस थे। फेरा पे 81 सेक्शंस थे, जबकि अगर हम फेमा की बात करेंगे तो फेमा पे उन सेक्शंस को बहुत सारे सेक्शंस जो हमारे काम के नहीं थे या फिर ऐसे सेक्शंस जो बहुत ज्यादा टफ रूल्स प्रोविजन प्रोवाइड करते थे उनको रिमूव किया गया और टोटल सेक्शंस यहाँ पे 49 प्रोवाइड किया गया, जिसको 7 चैप्टर में बांटा गया है। तो फेमा को बनाया गया तो फेमा पे 49 सेक्शंस को केवल इंक्लूड किया गया, उन 49 सेक्शन को हम 7 चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि फेरा एक ऐसा रूल था, फेरा एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा अधिनियम था जो अपने ही आप में बहुत कठोर और बहुत सॉलिड था। यहां तक कि कहा जाता है कि जब फेरा को मार्केट में एस्टेब्लिश किया गया तो फेरा के कठोर नियमों की वजह से कोको कोला कंपनी ने इंडिया से अपने ऑपरेशंस को हटा लिया था, मींस अपने प्रोडक्शंस को हटा लिया था। क्यों हटा लिया था? क्योंकि जो फेरा के रूल्स थे, जो फेरा के रेस्ट्रिक्शंस थे बहुत ही सॉलिड और बहुत स्ट्रांग थे। उस स्ट्रांग प्रोविजंस की वजह से कोको कोला कंपनी ने अपना ऑपरेशंस इंडिया से हटा लिया था। वो बात की बात है कि बाद में बहुत सारे समझौते हुए, बहुत सारे कंप्रोमाइज हुए, जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी फिर से मार्केट पे आई, इंडिया पे आई, अपना काम स्टार्ट किया और आज भी अपना काम वो कर रही है। तो FDI को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन रिजर्व को सरप्लस करने के लिए, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए, विदेशियों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए, उन्हें अपने नियमों में थोड़ा ढील बरता गया, जिसका मेन मोटिव क्या था, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिजर्व को प्रमोट करना। अलोंग विथ फॉरेन रिजर्व जो भी हमारे FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसे प्रमोट करना और उसे इंक्रीज करने के लिए फेमा को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। आइए अब हम बात करेंगे कि फेमा के साथ ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो अंडर फेमा काम करते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अंडर फेमा काम करते हैं, हम आइए उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर फेमा। तो फेमा के अंडर ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो फेमा के अंडर और फेमा के लिए काम करते हैं, तो देखिए उनमें से पहला हमारा है आरबीआई। आप सभी जानते होंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का अग्रणी बैंक है और जितने भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक हैं उन सभी के लिए जो भी रेगुलेशंस
को फ्रेमवर्क करता है वो कौन करता है, उन सबको आरबीआई ही कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है। तो बैंकिंग सेक्टर पे हमारे इंडिया पे जितने भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए रूल रेगुलेशंस कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना कौन कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई वन ऑफ देम एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जो फेमसली काम करता था। यदि आगे के बाद बात करें, दूसरा डिपार्टमेंट हमारा था ईडी, जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। आप इसे नोट कर लें, ईडी स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसे लिख लें, नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जानते हैं। आप इसे लिख लें, ईडी, ईडी स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरा डिपार्टमेंट था वो तीसरा डिपार्टमेंट था हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये मेनली तीन डिपार्टमेंट थे जो अंडर फेमा फेमा के लिए काम करते थे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे। उनमें से पहला डिपार्टमेंट था हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड हमारा था ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन हमारा डिपार्टमेंट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब आइए हम देखेंगे इनकी वर्किंग क्या थी, या फिर किस तरह से ये फेमा को हेल्प करते थे और किस तरह से फेमा के लिए ये काम करते थे। तो जब हम बात करेंगे आरबीआई की, तो देखिए आरबीआई का मेन काम क्या था, आरबीआई फेमा की रेगुलेशंस फ्रेमवर्क करता था। तो फेमा के लिए जितने भी हम रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, हम रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि मेनली रेगुलेशंस एंड रूल्स में क्या डिफरेंस है। तो आरबीआई का मेन काम क्या था, आरबीआई फेमा के लिए जितने भी रेगुलेशंस होते थे उन सबको फ्रेमवर्क करता था। आरबीआई का मेन काम था फेमा के अंतर्गत जितने भी रेगुलेशंस थे उन सबको क्या करना, फ्रेमवर्क करना, आरबीआई का मेन फंक्शन था। इसके बाद हम देखते हैं ईडी, ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का मेन काम क्या होता था, फेमा के अंतर्गत जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते थे, फेमा के अंतर्गत जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते थे, किस तरह के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस या फिर ऐसे केसेस जो फॉरेन बिजनेस के अंतर्गत हैं, तो जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते थे उन सभी केसेस की सुनवाई, उन सबको इन्वेस्टिगेशन, उन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, यहाँ तक कि किस पर्सन के लिए किस सजा का प्रावधान है, वो सब काम कौन करता था, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इट मीन्स प्रवर्तन निदेशालय द्वारा होता था। आप देख रहे हैं आरबीआई जितने भी फेमा के अंतर्गत जो भी रेगुलेशंस होते थे वो सभी को फ्रेमवर्क करता था आरबीआई। ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय जितने भी केसेस होते थे वो सभी केसेस की सुनवाई रजिस्टर्ड कहाँ पे होते थे, ईडी के अंतर्गत होते थे, यहाँ तक कि उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना और उस केसेस के लिए सजा का जो भी प्रावधान था वो किसके अंतर्गत होता था, ईडी के अंतर्गत ही होता था। लास्ट वन हमारा डिपार्टमेंट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसका मेन काम क्या होता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। जो ऐसे व्यवसायी, जो ऐसे लोग, जो फॉरेन, जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे काम करना चाहते हैं या फिर एफडीआई को प्रमोट करना,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन प्रमोट करने का काम कौन करता था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करता था। आप इसे नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे नोट कर लें, सभी में रख करता हूं। अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि फेमा का मेन उद्देश्य क्या था। अभी हमने यहाँ पे देख लिया है, हमने बहुत सारे डिस्कस की यहाँ पे फेमा के बारे पे, कि फेमा को लॉन्च करने का, फेमा को लाने का मेन मोटिव क्या था। आइए हम प्रोसेस को और थोड़ा क्लियर करेंगे, डिटेल करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या था, फेमा का मेन ऑब्जेक्ट क्या था इंडिया पे लाने का। देखिए, जब हम बात करेंगे फेमा के ऑब्जेक्ट की, तो फेमा को लाने का जो ऑब्जेक्ट था वो दो ही ऑब्जेक्ट था। पहला ऑब्जेक्ट था फैसिलिटेटिंग एंड सेकंड प्रमोटिंग। दो चीजें देख रहे हैं आप, जिस तरह से फेमा का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, जिसका दो ही ऑब्जेक्ट था मेन, पहला फैसिलिटेट करना और दूसरा प्रमोट करना। किसे फैसिलिटेट करना? जो भी हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉरेन बिजनेस के लिए, फॉरेन पेमेंट के लिए, उस प्लेटफॉर्म को इजी करना, सहूलियत प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को, फैसिलिटेट करना और साथ ही साथ फॉरेन बिजनेस को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इसका मेन काम था। अब देखिए ये क्या फैसिलिटेट करता था, यदि हम बात करेंगे फैसिलिटेटिंग की, तो फैसिलिटेट करता था ये किसको? एक्सटर्नल बिजनेस को, एक्सटर्नल ट्रेड एंड एक्सटर्नल पेमेंट। देख रहे हैं आप, दो तरह की चीजें फैसिलिटेट करता था ये, इसका मेन दो तरह की चीजें क्या थी फैसिलिटेट करना। पहला एक्सटर्नल ट्रेड को, किस ट्रेड की बात कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड इट मींस जो हमारे देश के बाहर या फिर हमारे देश का दूसरे देश के बिटवीन जो भी ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड को क्या करना, बिजनेस को फैसिलिटेट करना और साथ ही साथ एक्सटर्नल पेमेंट को भी क्या करना, फैसिलिटेट करना। ऐसा पहला ऑप्शन नहीं था, अभी रिसेंटली ही इंडिया ने कुछ देशों से ऐसी ट्रीटीज की हैं, कुछ संधियां की हैं, जहां पे रुपीज को भी एक्सेप्टेड किया गया है। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि यदि आपको मसलन बिजनेस करना है तो आपके साथ हम बिजनेस, अपना बिजनेस रुपीज में ही करेंगे, हम आपको जो पेमेंट देंगे वो रुपीज के फॉर्म पे ही देंगे। तो कुछ देशों से अभी रिसेंटली इंडिया की ऐसी ट्रीटी हुई है, संधियां हुई है, जहां पे रुपीज को भी एक्सेप्टेड किया गया एज अ पेमेंट के रूप में। तो दो काम मेन थे फेमा के, फैसिलिटेट करना और प्रमोट करना। किसको फैसिलिटेट करना? एक्सटर्नल ट्रेड को, अलोंग विद एक्सटर्नल ट्रेड क्या, एक्सटर्नल पेमेंट को भी क्या करना, फैसिलिटेट करना। आइए जब प्रमोशन की बात करेंगे, प्रमोटिंग की बात करेंगे, किसको प्रमोट करना, सिंपली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो इंडिया पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उस जो फॉरेन मार्केट है, उस फॉरेन मार्केट को प्रमोट करना क्या था, फेमा का मेन ऑब्जेक्ट भी था। तो किसको प्रमोट करना, फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट इन इंडिया, इंडिया पे जो भी फॉरेन मार्केट है उस फॉरेन मार्केट को प्रमोट करना, उसे इंक्रीज करना, बढ़ाना भी क्या था, फेमा का अगला ऑब्जेक्ट था। आई होप आप समझ गए होंगे फेमा का मेन ऑब्जेक्ट क्या था,
और फेमा किस तरह से मार्केट में काम करता था। तो अभी तक के सेशन पे हमने देखा कि फेमा किस एक्ट को रिप्लेस किया है, इस एक्ट को रिपील करने के बाद फेमा को लाया गया, फेमा को लाने की वजह क्या थी, किस वजह से फेमा को मार्केट पे इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसी क्या कमियां थी फेरा में कि जिस फेरा के ऐसी क्या कमियां थी कि उस कमियों को दूर करने के लिए फेमा को इंडिया पे इंट्रोड्यूस किया गया, किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज की नींव रखी गई और किसके शासनकाल पे ये नींव रखी गई और किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज डेवलप होते हुए फेमा तक और आज यहाँ तक आ पहुंचा है। चलिए इसके बाद इसका जो एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर उन चीजों से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं और ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये चैप्टर 8 मार्क्स आपको दिख जाता है। तो इसको प्लीज आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और साथ साथ आपको जो भी डाउट होंगे उस डाउट को आप इस लाइव क्लास में सीधा कर डिस्कस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रुप में आकर आप इस चैप्टर के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस की कि वो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस कौन कौन सी हैं जो फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस स्टूडेंट, आप इसे नोट भी करिएगा, मुझे पता है कि मैंने इसकी नोट्स भी कॉलेज में क्लास में बनवाई है, बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो उस वक्त नहीं आए होंगे या फिर नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाए होंगे, तो आप यहाँ पे इस नोट्स को भी देखेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, है ना, और जो भी डाउट होंगे आप मुझे अगली क्लास में आप मुझे बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस की। देखिए इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस जितनी भी फेमा के अंतर्गत हैं, जो भी बहुत सारी मुख्य परिभाषाएं हैं, उन सब को सेक्शन 2 पे ही रखा गया है। जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उन सब के लिए फेमा पे जो प्रोविजन किया गया है वो सेक्शन 2 पे किया गया है। अब इसके साथ हम देखेंगे जो भी परिभाषाएं हैं टू के साथ उनको सब सेक्शन के रूप में जोड़ा गया है। जैसे आप देख रहे हैं टू के बाद एक ब्रैकेट बना हुआ है, उस ब्रैकेट में कुछ डॉट डॉट डैश डैश वहां पे लिखा हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो कहाँ पे आएंगी, सेक्शन 2 के सब सेक्शन पे ही आएंगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो सभी फेमा के अंतर्गत वो सभी सेक्शन 2 पे ही कवर होती है। तो सब सेक्शन क्या होंगे, लाइक 2U हो गया, 2W हो गया, 2V हो गया, ये सब क्या होंगे, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सब सेक्शन होंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज पर्सन अधिकृत व्यक्ति, तो अधिकृत व्यक्ति को रखा गया है सेक्शन 2 में, उसका सब सेक्शन है सी। आप इसे नोट कर लें, ऑथराइज सेक्शन को रखा गया है सेक्शन 2 में और सेक्शन 2 के सब सेक्शन कौन से हमारे हैं, सी होंगे। चलिए अगली हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। अगला नंबर आता है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय को रखा गया है सेक्शन 2 में और उसका सब सेक्शन है एन। तो विदेशी विनिमय को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 और सेक्शन 2 के सब सेक्शन एन में, मींस 2N पे। चलिए अगली बात करेंगे हम फॉरेन सिक्योरिटी की। फॉरेन सिक्योरिटी,
फॉरेन सिक्योरिटी को रखा गया है सेक्शन 2 में और सेक्शन 2 के सब सेक्शन ओ में। तो फॉरेन सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन ओ में। देन हम बात करेंगे पर्सन की। पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 और सब सेक्शन यू में, सेक्शन 2 सब सेक्शन यू। देन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को डिफाइन किया गया है इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन वी में। और लास्ट वन हमारा आता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन डब्ल्यू में। आपसे नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषाएं एग्जाम में जरूर पूछती हैं, जरूर आती हैं। चलिए इसे मैं बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट जो नहीं लिख पा रहे उसे लिख लेंगे, जो नहीं लिख पा रहा है। तो पहला है, हम बात कर रहे हैं ऑथराइज पर्सन की। ऑथराइज पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सी में। देन हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 एन पे। देन फॉरेन सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 ओ में। देन पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन से इसे जरूर पढ़िएगा, पर्सन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 यू में। देन आता है हमारा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 वी में। और लास्ट वन हमारा आता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 डब्ल्यू में। ये 6 परिभाषाएं जो फेमा के अंतर्गत, फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। आइए हम इसके बारे में जानेंगे कि इनको किस तरह के टर्मिनोलॉजी इनके लिए यूज की गई है और इनकी डिफिनेशन एग्जैक्ट फेमा में क्या बताई गई है। चलिए इसे मैं रफ करता हूँ और आगे हम आएंगे। चलिए पहला हमारा था ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, एग्जैक्टली सेक्शन 2C में। चलिए हम देखते हैं ऑथराइज पर्सन के लिए क्या प्रोविजन किया गया है या फिर किसको ऑथराइज पर्सन बोला गया है। तो नोट करेंगे ऑथराइज पर्सन, इट मींस ऑथराइज पर्सन मींस क्या, एक ऑथराइज डीलर, आप इसे लिखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑथराइज पर्सन मींस एक ऑथराइज डीलर मनी चेंजर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम
बीइंग ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड बाय आरबीआई आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो देखिए यहां पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ऑथराइज पर्सन जिसको कवर किया गया है सेक्शन 2C में, ऑथराइज पर्सन मींस क्या, ऑथराइज पर्सन किसको बोला गया है, ऑथराइज पर्सन इट मींस एनी ऑथराइज डीलर, कोई भी ऑथराइज डीलर या फिर कोई भी मनी चेंजर जिसका काम मनी चेंजर होगा, मनी को चेंज करना मींस करेंसी दूसरी करेंसी के बदले दूसरी करेंसी प्रोवाइड करना, या फिर कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एजेंट, कोई भी मतलब जिसको बैंकिंग यूनिट के थ्रू कोई एजेंट को अपॉइंट किया गया है, या फिर कोई अदर पर्सन जिसको आरबीआई ने अपॉइंट किया है फॉरेन एक्सचेंज के लिए या फिर फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है किस चीज के लिए, कोई मनी चेंजर हो गया, कोई ऑथराइज डीलर हो गया, कोई आरबीआई ने अपॉइंट किया हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम ऑथराइज पर्सन बोलेंगे। इसमें फेमा पे जो कवर करता है अंडर सेक्शन 2C में। ठीक है, राइट। चलिए अब हम बाकी बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, जिसको कवर करता है जो 2N पे, 2N में फॉरेन एक्सचेंज का मींस क्या हो गया, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज सेकंड हमारा आता है फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज कहां पे आता है, सेक्शन 2N पे। वेरी गुड, फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 2N। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज मींस क्या, इट मींस क्या, फॉरेन एक्सचेंज हम किसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज इट मींस फॉरेन करेंसी और साथ ही इंक्लूड्स फॉलोविंग्स, फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स फॉलोविंग, फॉरेन करेंसी के साथ साथ हम किसको भी और किसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, तो क्या क्या, कोई भी डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी एंड एनी ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक एनी ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम लोग LOC बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडिया करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो देखिए हम किसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज जो कवर करता है सेक्शन 2A में, तो फॉरेन एक्सचेंज किसको बोलेंगे,
फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉरेन एक्सचेंज मींस क्या, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के साथ साथ और किसको बोलेंगे हम, कोई भी ऐसा डिपॉजिट, कोई क्रेडिट कार्ड बैलेंस पेबल जो किसमें हो, जो फॉरेन करेंसी के रूप में हो, या फिर कोई ड्राफ्ट, कोई ट्रैवलर चेक, कोई बिल्स ऑफ पेमेंट, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट LOC जिसको ड्रॉन किया गया हो इंडियन करेंसी पे और पेबल किया गया हो फॉरेन करेंसी पे, इसको भी क्या बोलेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज ही बोलेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज में ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉरेन करेंसी को तो फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे ही, साथ ही साथ कोई ऐसा डिपॉजिट, कोई ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई बिल्स ऑफ पेमेंट, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई बिल्स ऑफ पेमेंट और कोई क्रेडिट कार्ड बैलेंस, कोई ड्राफ्ट, कोई ट्रेवलर चेक जिसको ड्रॉन किया गया हो इंडियन करेंसी पे बट पेबल किया गया हो फॉरेन करेंसी पे, इस करेंसी को भी हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के नाम से ही जानेंगे। जिसे कहां कवर किया गया है, जिसे कवर किया गया है अंडर फेमा में सेक्शन 2N पे। इज दैट क्लियर? ओके, आइए रख करते हैं और हम बढ़ते हैं आप आगे की ओर। चलिए हम अगली बात करेंगे। अगला कौन सा हमारा आएगा, अगला हमारा आएगा फॉरेन सिक्योरिटी, जिसे कहां कवर किया गया है, सेक्शन 2O में। ओके, वेरी गुड। थर्ड, फॉरेन सिक्योरिटी जिसे कवर किया गया है सेक्शन 2O में। तो फॉरेन सिक्योरिटी मींस क्या, इट मींस फॉरेन सिक्योरिटी क्या बोलता है, तो देखिए फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिबेंचर और एनी अदर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, बस इतना ही। चलिए देखते हैं फॉरेन सिक्योरिटी मींस क्या, सॉरी फॉरेन सिक्योरिटी मींस क्या, हम किसको फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे, जल्दी से कवर करेंगे हम, टॉपिक बहुत छोटा है। फॉरेन सिक्योरिटी से कवर किया गया सेक्शन 2O में, इट मींस क्या, कोई भी एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, कोई ऐसी सिक्योरिटी जो किसके फॉर्म में होगी, जो शेयर के फॉर्म में होगी, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट, को भी क्या बोलेंगे हम, फॉरेन सिक्योरिटी के नाम से ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर? फॉरेन सिक्योरिटी इसे कवर किया गया है सेक्शन 2O में। तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो किस फॉर्म पे होगी, जो स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स या डिबेंचर या फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होगी, उसे भी क्या बोलेंगे, उसे भी हम फॉरेन सिक्योरिटी के नाम से ही बोलेंगे। चलिए अगली हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, पर्सन, जिसे कहां कवर किया गया है, जिसे कवर किया गया है अंडर सेक्शन 2U में। वेरी गुड। तो अगला हम बात करेंगे किसकी, पर्सन जिसे कवर किया गया है अंडर सेक्शन 2U में। तो पर्सन मींस क्या, ठीक है, पर्सन मींस क्या, तो पर्सन में इट मींस क्या, हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, आइए हम देखते हैं यहाँ पे।
तो पर्सन इट मींस इट इंक्लूड्स क्या एन इंडिविजुअल HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अविभाजित परिवार अ कंपनी अ फर्म देन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, any agency office or branch owned or controlled by such person further it include any artificial person. चलिए हम देखते हैं पर्सन में हम फेमा में किस किस व्यक्ति को पर्सन बोलेंगे. देखिए पर्सन मीन्स क्या पर्सन इट मीन्स इट इंक्लूड्स इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे हम किसको पर्सन बोलेंगे. तो क्या बोल रहा है एनी इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया जस्ट लाइक मैं हो गया आप हो गए कोई रमेश महेश किसी भी नाम का व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे इंडिविजुअल बोलेंगे वो पर्सन हो गया. कोई HUF फैमिली हो गई हिंदू अविभाजित परिवार हो गया. देन कोई कंपनी कोई फर्म एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी व्यक्तियों का समूह या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेटेड है या फिर कॉर्पोरेटेड नहीं है साथ ही साथ एनी एजेंसी एनी ऑफिस एनी ब्रांच जो कौन कंट्रोल कर रहा है जो किसी पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है उसे भी क्या बोलेंगे हम पर्सन बोलेंगे. अभी तक आपने पर्सन देखा हुआ था कि पर्सन आपने पहले भी देखा सुना होगा पढ़ा होगा. पर्सन मीन्स क्या एनी इंडिविजुअल एनी HUF एनी कंपनी अ फर्म अ कंपनी अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर कॉर्पोरेटेड आर नॉट इसे हम क्या बोलेंगे पर्सन बोलेंगे. बट एनी इसके साथ ही साथ कोई भी एजेंसी कोई ऑफिस कोई ब्रांच जो ऑन और कंट्रोल हो रही है किसी पर्सन के द्वारा उसे भी क्या बोलेंगे हम पर्सन की श्रेणी पे ही रखेंगे. इज दैट क्लियर. चलिए हम आगे आते हैं जो अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे. जो क्या है हमारा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसे कहां रखा गया है सेक्शन 2B में. ओके पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसे रखा गया है सेक्शन 2B में. ठीक है देखिए हम क्या बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इट मींस क्या
ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इट मींस अ पर्सन deciding in India, a person residing in India for more than 182 days. For more than 182 days during preceding financial year, ठीक है, ठीक है। चलिए पहले हम इसकी बात करेंगे, हम किसको पर्सन बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हेमा में किसको बोलेंगे, ये बोल रहा है एनी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, किस ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे, मींस प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे, यदि कोई पर्सन 182 दिन से ज्यादा 182 डेज से ज्यादा यदि इंडिया पे रहा हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम किसको बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हम उस व्यक्ति को बोलेंगे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे या फिर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर पे 182 डेज से अधिक दिन यदि वो इंडिया पे रहा है तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि हम यहाँ पे किस पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये अभी आपने देख लिया कि कौन सा व्यक्ति जो पिछले फाइनेंशियल ईयर पे 182 दिन से अधिक यदि वो इंडिया पे रहा है उस व्यक्ति को हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। लेकिन अब हम जिसकी बात हम करने जा रहे हैं या फिर जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे उसे हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए वो व्यक्ति कौन से होते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए बट does not include किसको लेके हम आप इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, तो पहला a person has gone out of India, or who stay outside of India, for इसके लिए employment outside of India, business or vocation, outside of India,
आउटसाइड ऑफ इंडिया या फिर एनी पर्पज, एनी अदर पर्पज फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूड्स any other purpose indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, मैंने बोला था कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया हम किसको बोलेंगे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे 182 दिन से अधिक यदि वो इंडिया पे रहा है उस पर्सन को हम रेसिडेंट इन इंडिया के इंडिया बोलेंगे। बट उस चीज में उसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर गया हो, किसके लिए गया हो, बाहर इंडिया के बाहर रह रहा हो, किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी पेशा के लिए, आउटसाइड ऑफ इंडिया जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहा हो, इंडिया के बाहर बिजनेस के लिए या वोकेशन के लिए गया हो, या फिर कोई ऐसा कोई एनी अदर पर्पज इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ठीक है, तो कोई इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर किसी अन्य पर्पज से अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर गया हुआ है, या फिर इंडिया के बाहर वो जॉब करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से, इंडिया के बाहर वो बिजनेस या वोकेशन के पर्पज से यदि इंडिया के बाहर गया हुआ है तो उस पर्सन को हम रेसिडेंट इन इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि हम इसके उल्टे की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, कि ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस वोकेशन के लिए, किसी अदर पर्पस के लिए अनसर्टेन पीरियड के लिए, या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि वो इंडिया के बाहर गया हुआ है, उस पर्सन को हम पर्सन रेसिडेंट इंडिया पे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अब यदि हम इसके उल्टे की बात करें, देखिए जो ऐसा पर्सन जो बाहर से इंडिया पे रहने आया हुआ है, इसके साथ ही साथ हमें क्या ध्यान देना है कि हमने अभी बात की है कि ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर इन चीजों के लिए जा रहा है हम उसको भी पर्सन आप रेसिडेंट इंडिया काउंट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसा पर्सन जो बाहर से हमारे इंडिया पे इन्हीं उद्देश्य से आया हुआ है, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी बिजनेस वोकेशन के लिए, या फिर किसी अदर पर्पज के लिए अनसर्टेन पीरियड के लिए यदि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे इंडिया पे रहने आया है, उस पर्सन को भी हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम जब बात करेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के, तो ऐसा पर्सन जो इंडिया पे 182 दिन से अधिक लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे अगर रहा है तो हम पर्सन इन इंडिया बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। बट यदि कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस के पर्पस से, किसी बिजनेस वोकेशन, किसी एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी अदर पर्पस से अनसर्टेन पीरियड के लिए गया हुआ है, उसे हम पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं बोलेंगे। और साथ ही साथ एलॉन्ग विद यदि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे इंडिया पे आके रह रहा है किसी बिजनेस वोकेशन के लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर किसी अदर पर्पस के लिए अनसर्टेन पीरियड के लिए, उस पर्सन को भी हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं बोलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हम किसको बोलेंगे। देन देखिए अगला हमारा आता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, मींस कौन,
कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है, जो इंडिया के बाहर रह रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे अंतिम में ही बोल रहा हूं, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर को लेकर, या फिर आपकी बुक में जो भी चीजें छूट रही हूं, जो इस सेशन पे कवर नहीं कर पा रहे हूं, उस चीज को आप ग्रुप में आकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब हमें अगली सेशन पे लाइव क्लास में होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर इस जो भी आपके डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।